नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद एम में। और आज मैं आप सभी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट न्यूज़ लेके आया हूँ कि वर्ष 2018 की आर्मी की भर्ती कब होगी और कहाँ पे होगी। तो इसके लिए बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न था कि आर्मी की भर्ती कब होने वाली है, किस डेट में होने वाली है और कहाँ पे होने वाली है। तो आज मैं अपनी इस वीडियो पे आप सभी के कन्फ्यूज़न को क्लियर करूँगा। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए बढ़ते हैं अपने वीडियो की ओर। तो यह है आपका रैली नोटिफिकेशन जो कि आपकी हल्द्वानी मिलिट्री स्टेशन पे होने वाली है आर्मी भर्ती रैली, ठीक है। तो इसमें बागेश्वर, नैनीताल, उधमसिंह नगर और अल्मोड़ा यानी कि चार जिलों के अभ्यर्थी इस आर्मी भर्ती रैली में भाग ले सकते हैं। और यह जो आर्मी भर्ती रैली होगी वो होगी आपकी 24 नवंबर से लेकर 30 नवंबर के बीच आपकी यह आर्मी भर्ती रैली होगी। तो भर्ती में जाने से पहले आप सभी को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा इंडियन आर्मी की वेबसाइट पे जाके, ठीक है। तो इसके लिए जो इन्होंने अपनी डेट दे रखी है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने की, वो है आपकी 24 सितंबर से लेके 9 नवंबर तक आप इंडियन आर्मी की साइट पे जाके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको एडमिट कार्ड जारी किए जाएंगे आर्मी भर्ती रैली के लिए। तो उसकी भी डेट यहाँ पे इन्होंने पब्लिश करी गई है, वो है आपकी 10 नवंबर से लेकर 16 नवंबर तक आप सभी लोग अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। और ये जो एडमिट कार्ड आएंगे वो आपके ईमेल एड्रेस यानी कि जब आप अपना रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन करेंगे इंडियन आर्मी की साइट पे जाके, तो वहाँ पे आपसे आपका ईमेल एड्रेस मांगा जाएगा। तो जो आप वहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस डालेंगे उसी ईमेल एड्रेस पे आपका एडमिट कार्ड आएगा। तो जान लेते हैं यह जो भर्ती होने वाली है वो किन किन पदों के लिए होने वाली है। तो सबसे पहला पद है इस पे सोल्जर जनरल ड्यूटी के लिए, ठीक है। तो जो इसमें देखिए एज लिमिट मांगी गई है, तो वो मांगी गई है आपकी 17.5 से लेके 21 साल तक, यानी जिनका जन्म 1 अक्टूबर 1997 से लेके 1 अप्रैल 2001 तक के बीच में हो रखा है, तो वे लोग इस पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हाइट जो मांग रखी है इसमें वो मांग रखी है 163 सेंटीमीटर। और जो वेट मांग रखा है वो है आपका 48 किलोग्राम। और जो आपका इसमें चेस्ट मांग रखी है वो है आपकी 77 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर का फुलाव। बाकी इसमें जो क्वालिफिकेशन मांगी गई हैं वो मांगी गई हैं आपकी, देखिए 10 पास होने चाहिए 45% अंक के साथ और प्रत्येक सब्जेक्ट में 33% नंबर होने चाहिए, ठीक है। दूसरा जो पद है इसका वो है आपका सोल्जर टेक्निकल का। तो उसके लिए भी इन्होंने एज लिमिट 17.5 से लेकर 23 साल तक मांग रखी है, यानी जिनका जन्म 1 अक्टूबर 1995 से लेकर 1 अप्रैल 2001 तक हुआ हो, उनके बीच में जिनका जन्म हुआ वे लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए भी ऊंचाई 163 सेंटीमीटर, वेट 48 kg और जो इसकी चेस्ट मांग रखी है वही जैसे 77 सेंटीमीटर ऊपर मांगा था इसमें भी वही मांग रखी है और 5 सेंटीमीटर के लिए फुलाव के लिए। तो इसके लिए जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो आपके देखिए 10+2 इंटरमीडिएट होना चाहिए साइंस के साथ विथ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और इंग्लिश में 50% अंक होने चाहिए। और बाकी जो भी आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, हिंदी जो भी आपके सब्जेक्ट बाकी बचते हैं इंग्लिश को छोड़ के, उन सभी में आपकी 40% उन प्रत्येक विषय में आपके 40% अंक होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम सोल्जर, नर्सिंग असिस्टेंट और नर्सिंग असिस्टेंट वेटरनरी। तो इन सब इनके लिए इन्होंने 17.5 से लेकर 23 साल तक एज मांगी गई है, वही जिनका जन्म 1 अक्टूबर 1995 से लेकर 1 अप्रैल 2001 तक हुआ हो। और हाइट 163 सेंटीमीटर, वेट 48 kg, चेस्ट 77 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर आपका फुलाव। तो इसके लिए जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांग रखी है वो है आपकी 10+2 इंटरमीडिएट एग्जाम साइंस विथ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश विथ मिनिमम 50% मार्क, यानी आपके इंग्लिश में कम से कम 50% अंक होने चाहिए और प्रत्येक विषय में 40% अंक के साथ आप उत्तीर्ण होने चाहिए, ठीक है ना। बाकी अब देख लेते हैं आगे जो है नेक्स्ट पद है इसका सोल्जर क्लर्क स्टोर कीपर टेक्निकल। उसके लिए भी इन्होंने देखिए 17.5 से लेकर 23 साल तक एज लिमिट मांग रखी है, वही 1 अक्टूबर 1995 से लेकर 1 अप्रैल 2001 के बीच में डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए आप सभी की। इसमें जो हाइट मांग रखी है वो देखिए इसमें चेंज है, 162 सेंटीमीटर आपकी हाइट मांग रखी, 48 kg वेट मांग रखा है और आपका जो 77 चेस्ट मांग रखी है प्लस 5 सेंटीमीटर आपका फुलाव मांग रखा है। इसमें जो आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन है देखिए वो है आपकी 10+2 इंटरमीडिएट होना चाहिए,
एग्ज़ाम पास होना चाहिए आपका, आर्ट कॉमर्स साइंस कोई भी चलेगा। लेकिन इसमें जो कंडीशन देख रही है, ये देख ध्यान देने योग्य बात है कि आपका जो टोटल आप 60% मार्क्स के साथ पास होने चाहिए और प्रत्येक सब्जेक्ट में 50% होने चाहिए आपके, ठीक है ना। बाकी इसकी इसमें देख लेना आप सभी लोग, और बाकी इसकी जो PDF है वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप चाहे तो वहाँ से भी ये पूरी नोटिफिकेशन आप इसका डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका सोल्जर ट्रेड्समैन के लिए, इसमें भी एज 17.5 से 23 साल तक, हाइट 163 सेंटीमीटर, वेट 48 kg, चेस्ट आपकी 77+5 सेंटीमीटर, और इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांग रखी है वो मांग रही 10th या ITI इसके आसपास, या हो सकता है तो जो 8 पास है इस हाउसकीपर के लिए तो 8 पास भी है, ठीक है। उसके बाद है आपका सिफाई फार्मा, तो इसके लिए इन्होंने 19 से लेकर 25 तक एज लिमिट मांगी गई है, यानी 1 अक्टूबर 1993 से लेकर 30 सितंबर 1999 तक का बीच में आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। बाकी इसमें जो हाइट मांग रखी वो 163 सेंटीमीटर, वेट 48 kg, और चेस्ट जो होनी चाहिए 77+5 सेंटीमीटर, और जो इसमें जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांग रखी है वो देख लीजिए आप, 10+2 इंटरमीडिएट पास होना चाहिए और डी फार्मा किया होना चाहिए मिनिमम 55% के साथ, ठीक है, और स्टेट फार्मा काउंसिल में रजिस्टर्ड होना चाहिए ये, ठीक है ना। नेक्स्ट बढ़ते हैं, बाकी इसमें दे रखा है कि रिलैक्सेशन फिजिकल स्टैंडर्ड के लिए किसके लिए कितना दिया जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे इसमें देख रखा है कि जो SOS सन्स ऑफ सर्विसमैन होते हैं, एक्स सर्विसमैन होते हैं, उनके लिए है हाइट में 2 सेंटीमीटर की छूट, चेस्ट में 1 सेंटीमीटर की, और वेट में 2 kg की। बाकी ये सारी चीज़ें आप बहुत ध्यान से पढ़ लीजिएगा, बाकी इतनी ज़्यादा डिटेल में बनाऊंगा तो मेरी वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। यहाँ पे फिजिकल स्टैंडर्ड का देख लेते हैं, 1.6 किलोमीटर रन होगा आपका, ठीक है, यानी आपको 5 मिनट से आप अगर आप रन करते हैं 5 मिनट 30 सेकंड में तो आपको 60 नंबर मिले जाएंगे, और अगर आप रन करते हैं 5 मिनट 31 सेकंड पे, या फिर 5 मिनट 31 सेकंड से लेकर 5 मिनट 45 सेकंड तक के बीच में अगर रन करते हैं तो आपको 48 नंबर दिए जाएंगे, ठीक है ना। और यहाँ पे पुल बीम है, पुल अप्स करने हैं यहाँ पे बीम में, अगर आप 10 पुल अप्स कर देते हैं तो आपको 40 नंबर दिए जाएंगे, 9 करते हैं तो 33 नंबर, 8 करते हैं तो 27 नंबर, 7 करते हैं तो 21 नंबर, 6 करते हैं तो 16 नंबर, ठीक है ना। तो बाकी यहाँ पे सारी चीज़ें दे रखी हैं, आप इनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे मेडिकल टेस्ट के बारे में भी दे रखा है, रिटर्न टेस्ट आपका होगा, आपको बता दिया जाएगा वहाँ पे, और डेट इसकी इशू होगी साइट पे। बाकी यहाँ पे आपका एडमिट कार्ड, जो आपका जो आप एडमिट कार्ड निकालेंगे यहाँ पे जो ध्यान देने वाली बातें हैं, तो ये बोला कि एडमिट कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू ब्रिंगिंग फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स, सर्टिफिकेट इन ओरिजिनल विद 2 अटेस्टेड फोटोकॉपीज विद देम द रैली साइट्स, यानी आप जब रैली में आए आपको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और उन सभी की 2-2 फोटोकॉपी अटेस्टेड वो साथ में लेके आनी पड़ेगी। आप जो एडमिट कार्ड लेके आएंगे तो वो आपका लेजर प्रिंटेड होना चाहिए, अच्छी क्वालिटी में होना चाहिए, मुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आपका फोटोग्राफ्स, फोटोग्राफ्स आपकी अच्छी क्वालिटी में होने चाहिए और वाइट बैकग्राउंड के साथ, ठीक है, और 3 महीने से पुराना फोटोग्राफ आपका नहीं चलेगा, ठीक है ना। एजुकेशन क्वालिफिकेशन पे देखिए, एजुकेशन सर्टिफिकेट ओरिजिनल लाने पड़ेंगे आपको वहाँ पे, ठीक है, जो जो आपकी इसमें मांग रखे हैं वो सारी लानी पड़ेंगी, ठीक है ना। डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी लाना है आपको, ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, स्कूल कैरेक्टर सर्टिफिकेट और कैरेक्टर सर्टिफिकेट एंड मैरिज सर्टिफिकेट, रिलैक्सेशन सर्टिफिकेट अगर आप किसी आरक्षण में आते हैं तो आपको उसका भी सर्टिफिकेट आपको वहाँ पे शो अप करना पड़ेगा। अगर आपके पास NCC ABC सर्टिफिकेट है आपको वो भी लेके आना पड़ेगा, ठीक है ना। तो बाकी अगर आप कोई स्पोर्ट्समैन है तो आप यहाँ पे उसके लिए सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी है, बाकी आप यहाँ पे से पढ़ लीजिएगा। एफिडेविट यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि आपको एक 10 रुपये का एफिडेविट बना के लेके जाना पड़ेगा, ठीक है ना, और आधार कार्ड पैन कार्ड आपका, ठीक है ना। बाकी यहाँ पे सारी चीज़ें दे रखी हैं, आप सभी चीज़ें पढ़ लीजिएगा अच्छे से, और ये आर्मी की भर्ती आपके सामने है। तो ठीक है दोस्तों, यह है मेरी आर्मी रैली पे बनाई गई वीडियो, उम्मीद करता हूँ आप सभी को मेरी यह वीडियो, मेरी यह इन्फॉर्मेशन
आप सभी को पसंद आई होगी। तो मेरी अगर इन्फॉर्मेशन आपके लिए थोड़ी सी भी यूज़फुल हो तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आने वाली नेक्स्ट टाइम न्यू वीडियो आपका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और बाकी सभी कैंडिडेट के लिए जो भी इस आर्मी भर्ती की रैली में जाएंगे, स्टडी विथ एम की ओर से विश यू ऑल द बेस्ट, अपना बेस्ट करके आइए। ठीक है, धन्यवाद।